डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज 6 मई 2020 वेनसडे एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर गोइंग टू डिलीवर अ विजुअल लेक्चर फॉर द वर्क पेजेस ऑफ यूनिट नंबर 5 एज वेल एज वी विल डू कम्प्रीहेंशन नंबर 11 फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन। माय लेक्चर इज फॉर 9th P1 N1 बॉयज एंड गर्ल्स। डियर स्टूडेंट्स होप यू आर फाइन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज अबाउट द प्रीवियस लेक्चर्स यू मे आस्क। As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation, question answer and word sentences of unit number 5, Daffodils. Daffodils, which is a beautiful poem written by William Wordsworth, who is a true worshipper and ardent lover of nature. Today we will do work pages of unit number 5. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ओपन योर बुक्स एट पेज 52 जहाँ पे हमने अपनी ग्लॉसरी की थी यूनिट नंबर 5 की। ग्लॉसरी हमने कर ली है, इसको टिक कर लें। पेज नंबर 53 जो है वो आपने जो है ओरल एक्टिविटी और गाइडलाइंस टू प्रिपेयर प्रेजेंटेशन इसको क्रॉस कर देना है और कम्प्रीहेंशन में जहाँ लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इसको टिक कर लें। आपको पता है वर्क पेजेस करवाते हुए मैं आपको जो एक्टिविटीज़ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं उसको टिक करवाती हूँ और जो हमने पेपर के हवाले से तैयार नहीं करनी चीज़ें उसको हम जो है वो क्रॉस कर देते हैं। इसका मकसद ये है कि पेपर की तैयारी करते हुए आप लोगों को ये बात क्लियर हो कि आपने क्या काम याद करना है और क्या काम आपने याद नहीं करना, कौन से पेजेस की कौन सी एक्टिविटीज़ को आपने करना है। ठीक है, पेज नंबर 54 पे आ जाएं बेटा। पेज नंबर 54 हमने जो है वो कंप्लीट करना है। इस पे जो बॉक्स है सबसे पहले इसको हम देखते हैं। पेज है बेटा आपका 54। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपको इमेज की फॉर्म में जो नज़र आ रहा है, फिगर्स ऑफ स्पीच जिसे आज हमने करना है। उर्दू में इसे तमसीली या मजाजी ज़ुबान भी कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ़िगर्स ऑफ स्पीच जो हैं वो क्या हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फ़िगर्स ऑफ स्पीच को अगर हम डिफ़ाइन करें तो कुछ इस तरह से इसकी डेफिनेशन है कि दीज आर द टेक्निक्स। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं विच आर यूज्ड बाय राइटर्स और पोइट्स, जो कि राइटर ठीक है यानी लिखने वाले मुसन्निफ़ इस्तेमाल करते हैं या शायर इस्तेमाल करते हैं इन देयर राइटिंग्स, अपनी तहरीरों में। और क्यों इस्तेमाल करते हैं? टू मेक देयर राइटिंग या टू मेक देयर वर्क मोर अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव, यानी अपनी बात को, अपनी जो भी तहरीर है, अपनी नज़्म है, उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज़्यादा इफ़ेक्टिव पुर असर बनाने के लिए रीडर्स के लिए, फॉर द रीडर्स। ठीक है, यानी दीज आर द टेक्निक्स यूज्ड बाय राइटर्स और पोइट्स टू मेक देयर लैंग्वेज, अपनी बात को या अपने वर्क को जो है वो बताते हैं जब वो मोर अट्रैक्टिव एंड इफ़ेक्टिव फॉर द रीडर्स। ठीक हो गया। अब इससे क्या मुराद है, इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से देखते हैं। जैसा कि अभी आपने रिसेंटली पोएम पढ़ी है डैफोडिल्स, तो उसमें हमने देखा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ अपने फर्स्ट स्टैंजा में कहता है कि आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड। ठीक है, अब ये बात जो है वो सादा अल्फाज में भी की जा सकती थी कि वो यूँ कह देता कई वॉन्डर लोनली, कि मैं तन्हा जो है वो घूम भी रहा था। अब उसने कहा है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, मैं एक बादल की तरह से आवारा घूम भी रहा था। यानी उसने तशबीह का इस्तेमाल किया है, फिगर्स ऑफ स्पीच यानी वो टेक्निक यूज़ की अपनी बात को रीडर तक पहुँचाने के लिए मज़ीद जो है वो अट्रैक्टिव वे में। यानी रीडर जो है वो बात को, जो आम बात है उसको और जो एक खूबसूरत अंदाज में बात की गई है उसको बनिस्बत जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सुनता है, पढ़ता है, ज़्यादा इंटरेस्ट उसका डेवलप होता है। तो इस चीज़ को जो है वो यूज़ करते हैं पोएट्स और राइटर अपनी तहरीरों में। फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल जो है वो हर लैंग्वेज में ही तकरीबन किया जाता है। उर्दू में जैसा कि तशबीह इस्तहारा जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह से इंग्लिश में इन्हें जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आपके सिलेबस में चंद एक जो है वो, वैसे तो बेशुमार हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। आप लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर जब पढ़ते हैं तो उसमें बेतहाशा फिगर्स ऑफ स्पीच का जो यूज़ आपको नज़र आता है। यहाँ पे आपके सिलेबस में जो है वो 4 डिस्कस की गई हैं, सिमिली है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन और इमेजरी। ठीक है, हम इन सिर्फ 4 को ही डिस्कस करेंगे
और यही फोर जो हैं वो आपकी ये जो पोएम अभी हमने पढ़ी है डैफोडिल्स, उसमें इनका इस्तेमाल जो है वो किया गया। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका जो सिमिली, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन देखें इसकी, अ सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइक और एज इज़ यूज टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन टू आइडियाज दैट आर बेसिकली डिसिमिलर। इसकी डेफिनेशन से ही आपको पूरी बात समझ में आ जाती है कि सिमिली जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम लाइक या एज का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में इसे कहेंगे जैसा और इस तरह, ठीक है, जैसा या इस तरह। इज यूज टू मेक अ कंपैरिजन, मवाजना करने के लिए बिटवीन टू आइडियाज, दो जो है वो आइडियाज के दरमियान, दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान, दैट आर बेसिकली डिसिमिलर, जो कि बेसिकली डिसिमिलर हैं, बिल्कुल ही एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एग्जाम्पल आप इसकी जब पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी कि लाइक हम जो है वो बात करते हुए कहते हैं, अक्सर तशबीह का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो जो है वो चांद की तरह से खूबसूरत है। ठीक है, किसी लड़की की तारीफ़ करनी हो, किसी की जो है वो आँखों की तारीफ़ करनी हो, तो हम यहाँ पे जैसे यूज़ कर रहे हैं कि उसकी आँखें जो है वो सितारों की तरह से चमकती हैं। अब एक्चुअली तो उसकी आँखें जो है वो सितारों की तरह से नहीं चमकती, या वो असल में तो चांद की तरह से खूबसूरत नहीं है ना, लेकिन हम सिर्फ अपनी बात में असर पैदा करने के लिए, खूबसूरती पैदा करने के लिए जो है इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा है कि कंपैरिजन, मवाजना करते हैं हम दो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों का, जैसे स्टार्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है और लड़की जो है वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है, बेजान और जानदार, दोनों के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है, मवाजना किया जा रहा है उनकी किसी भी एक खासियत की वजह से, जो कि उन दोनों की एक जैसी खूबी या खासियत है, और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर लाइक या एज का। ठीक है, तो इस जो है वो टेक्निक को हम क्या कहेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को सिमिली, तशबीह जिसे उर्दू में कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसकी देखें कि शी वॉज एज बिजी एज अ बी, कि वो इस तरह से मसरूफ़ है जैसे कि एक शहद की मक्खी। आपने देखा होगा कि शहद की मक्खी जो बी है वो हर वक्त जो है वो नेक्टर तलाश करती रहती है, उसको कलेक्ट करती रहती है, रस जो है वो फूलों का जमा करके अपने काम में बिजी रहती है। ठीक है, तो वो उसकी मसरूफियत और जो बी की मसरूफियत है उन दोनों का कंपैरिजन किया है आपस में, कि वो इस तरह से मसरूफ़ है जैसा कि एक शहद की मक्खी। ठीक हो गया, ठीक है, यानी कि सादा अल्फाज में अगर हम याद रखें इसको, तो हम यूँ याद रख सकते हैं कि दो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ चीज़ों को जब किसी एक खासियत खूबी की वजह से एक दूसरे के साथ रिलेट किया जाए, एक दूसरे के साथ उनका मवाजना किया जाए, और लाइक और एज, उर्दू में जैसा या इस तरह का वर्ड इस्तेमाल किया जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमिली। ठीक हो गया। अच्छा, अब आ जाएँ हम मेटाफर पर। मेटाफर में जो है वो बिल्कुल ये सिमिली जैसा ही है, लेकिन इसमें सिर्फ माइनर सा एक डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत मेजर डिफरेंस है इसमें। अगर जैसे सिमिली में हमने देखा दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया, ठीक है, किसी एक खूबी खासियत की वजह से, ठीक है, और जो है वो उनको लाइक और एज से हमने जोड़ा। जबकि मेटाफर में अगर हम देखें, इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड अमिट द वर्ड लाइक, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर। जब हम दो मुख्तलिफ चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करें, ठीक है, उनकी किसी खूबी या खामी या किसी भी खासियत की वजह से, लेकिन लाइक और एज का वर्ड इस्तेमाल ना करें बल्कि डायरेक्टली उसे कह दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम कहें कि अली, ये दो एक ही बात है लेकिन उसको दो अंदाज में मैं कहती हूँ। जैसे मैं कहूँ कि अली शेर जैसा बहादुर है, या मैं कहूँ कि अली शेर है, अब बात तो एक ही है, ठीक है, लेकिन उसमें हम मैंने जैसा का वर्ड इस्तेमाल किया है और उसमें हमने जो है वो जैसा का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। अब देखें, अली एक्चुअली तो शेर नहीं है, शेर एक जानवर है, अली जो है वो एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, लेकिन उन दोनों की एक खासियत बहादुरी की वजह से उन दोनों को आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अली शेर जैसा बहादुर है, ठीक है, लेकिन मेटाफर जब हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे अली शेर है, ठीक है, या किसी लड़की की तारीफ़ करेंगे तो हम कहेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल सलमा, ठीक है, सलमा जो है वो चांद है, चौदहवीं का चांद है, इस तरह से, या उसकी आँखें सितारा हैं, ठीक है, डायरेक्टली हमने वो बात कह देनी है, खूबी या खामी को हमने बीच में नहीं लाना,
यहाँ पे एग्जाम्पल है, ही प्रूव्ड अ लायन इन द फाइट, वो लड़ाई में एक शेर साबित हुआ. हिज हार्ट इज रेड रेड रोज, उसका दिल सुर्ख है सुर्ख फूल. ठीक है, यानी दिल को रेड रोज से कंपेयर किया है, लेकिन उसकी खासियत जो है वो इस्तेमाल नहीं की. यूं नहीं कहा कि लाइक अ रेड रोज, ऐसे नहीं कहा. ठीक हो गया. तो ये दोनों सिमिली और मेटाफर, मेटाफर उर्दू में इस्तारा ही से कहते हैं, सिमिली को तशबीह कहते हैं. आई होप कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से. आप डिफरेंट अपने इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें, उनको एग्जांपल की फॉर्म में अगर सोचें तो आपको और ज़्यादा बेहतर अंदाज में इनकी समझ आ जाएगी. अच्छा, ये टू हमारी फिगर्स ऑफ स्पीच थी. नेक्स्ट हम जो है वो देखते हैं परसोनिफिकेशन और इमेजरी को. ये भी बहुत ज़्यादा ईजी है. परसोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी भी बेजान चीज़ को इंसानी खासियत दें. ठीक है, यानी किसी भी बेजान चीज़ को इंसानी खासियत दें. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एग्ज़ाम्पल पहले देख लें फिर आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, कि द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, कि जो मोमबत्ती का शोला है वो अंधेरे में रक्स उसने किया. अब मोमबत्ती का जो शोला है वो तो बेजान है बिल्कुल, और डांस नहीं वो कर सकता. ठीक है, डांस करना या रक्स करना जो है वो इंसानी खासियत है. तो जब हमने किसी भी बेजान चीज़ को सिर्फ अपनी बात में असर लाने के लिए, खूबसूरती लाने के लिए जो है वो इंसानी किसी भी क्वालिटी को इस्तेमाल किया बेजान चीज़ के लिए, तो इसको हम कहेंगे परसोनिफिकेशन. पर्सन से निकला है ये. ठीक है, शख्स जो किसी शख्स की खूबी हो वो किसी बेजान चीज़ को दे दी जाए. इट इज़ अ फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक वेयर एन ऑब्जेक्ट और आइडिया इज गिवन ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़. वो फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट यानी बेजान चीज़ या आइडिया को इंसानी खसूसियत या खूबी दे दी जाती है. एग्जांपल से आपको मज़ीद क्लियर होगी ये बात. जैसे कि द कैंडल फ्लेम डांस्ड इन द डार्क, हमने पढ़ा, द सन फ्लावर्स नॉडेड इन द विंड, सूरजमुखी के जो फूल हैं वो हवा में सर हिला रहे हैं. अब सर हिलाना तो इंसानी खासियत है. ठीक है, इंसानी जो है ह्यूमन बींग्स की करेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है ये चीज़. तो सनफ्लावर्स का तो सर नहीं होता, या वो सर नहीं हिलाते, वो तो जस्ट मूवमेंट उनकी कुछ इस तरह से होती है कि ऐसा लगता है जैसे वो सर हिला रहे हैं. तो सनफ्लावर्स का जो सर हिलाना या मूवमेंट है वो जो है वो परसोनिफाई की गई है ह्यूमन बीइंग्स की तरह से. जब आपने देखा है कि किसी भी बेजान चीज़ को इंसानी खासियत हम देते हैं तो उसको हम परसोनिफाई करते हैं. जैसे हमने पोएम में पढ़ा था डेफोडिल्स में, कि शायर कहता है कि हिज हार्ट फील्स विद हैप्पीनेस एंड डांसेस विद द डेफोडिल्स, यानी उसका दिल रक्स करता है. अब दिल तो एक्चुअली रक्स नहीं करता, ठीक है, लेकिन सिर्फ अपनी बात में खूबसूरती लाने के लिए, कि वो इतना इंजॉय करता है, उसका दिल उसमें इतनी खुशी भर जाती है कि वो जैसे रक्स करने लगता है. ठीक है, तो ये शायर जो है वो कहना चाह रहा है. तो इस तरह से उसने परसोनिफाई किया हार्ट को. तो इसे हम जो है वो इस टेक्निक को क्या कहेंगे, इस लैंग्वेज टेक्निक को हम क्या कहेंगे, परसोनिफिकेशन. ठीक हो गया. आगे हमारे पास इमेजरी. इमेजरी जैसा कि अक्स इमेज से लिया गया है, इमेजरी इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स. इसकी डेफिनेशन पहले देखें आप, कि तफसील की तामीर है. यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस, जहनी जो तसव्वुरात हैं उनको बनाना. ऑन द माइंड ऑफ द रीडर्स, कारीन के जहन पे, थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड. यानी कारीन जो पढ़ने वाले हैं उनके जहनों में कुछ ऐसे तसव्वुरात बनाना है डिटेल्स जो हैं उनकी तफसील के साथ, डिटेल्स के साथ उनकी तामीर कुछ इस तरह से की जाए. फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखें कि आपको पता है जितने भी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जानदार हैं उनकी फाइव सेंसेस होती हैं. कौन सी? छूने की हिस होती है, सूंघने की हिस होती है, ठीक है, और देखने की हिस होती है, सूंघने की हिस होती है. ये फाइव सेंसेस होती हैं. तो जब शायर इन फाइव सेंसेस को यूज़ करते हुए कुछ इमेजेस क्रिएट करें, राइटर्स जो है वो करें माइंड पे रीडर्स के, तो इसको हम कहेंगे इमेजरी. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने दरख्त जो है वो दरख्त की जो सख्त छाल है हमने वो छू के देखी हुई है. हमें कैसे पता चला कि ये खुरदरी है? हमने उस पर हाथ फेरा है तो हमें पता है कि वो खुरदरी है. यानी जो दरख्त का तना होता है सख्त वाला, उसकी बात कर रही हूँ. इसी तरह से हमने सुर्ख सेब देखा है, हमें पता है ये सुर्ख है, हमने आंखों का इस्तेमाल करके देखा है तो हमें पता है कि ये सुर्ख है सेब. ठीक है, या
जूसी ऑरेंजेस जो हैं हमने चखे हैं, हमें पता है कि ये रस भरे ऑरेंजेस हैं, तो हमारी टेस्ट वाली सेंस ने इसको टेस्ट किया हुआ है, इस वजह से हमें पता है कि ये जूसी हैं। तो जब शायर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है, स्वीट ऑरेंजेस, जूसी ऑरेंजेस, या रेड एप्पल्स, या जो है वो थिक फॉरेस्ट, या यूं कहे वो के हमारी विजन को यूज़ करे, वो कहे कि ह्यूज ट्रीज़, बड़े बड़े दरख्त, तो फ़ौरन से हमारे जहन में एक इमेज आ जाता है कि बड़े दरख्त किस तरह के होंगे, या रेड एप्पल्स किस तरह के होंगे, जूसी ऑरेंजेस किस तरह के होंगे, ये हमारे जहन में फ़ौरन से इमेज क्रिएट होते हैं ना जब हम इस तरह के अल्फाज पढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं, इस टेक्निक को बोलते हैं इमेजरी। ठीक हो गया, ये फोर टेक्निक्स थी फिगरेटिव लैंग्वेज टेक्निक्स जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर इनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ये टेक्निक्स जो है इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है जिसको हमने करना है, लेकिन आप सिर्फ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को ये सोच के मत समझा करें कि आपने एक्टिविटीज़ को करना है, रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, या पेपर में जो MCQs आएंगे उनको सॉल्व करना है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपको इतनी डिटेल में, इतना जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं आपको जब आप बड़ी क्लासेस में हो जाते हैं तो आपको इतनी डिटेल में नहीं समझाए जाते। ठीक है, तो अपनी नॉलेज जो है वो इसको वाइड करने के लिए जो है वो ध्यान से इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझा करें, ताकि आपकी ज़िंदगी में कभी भी कहीं भी ये काम आ जाएंगे जब आपको आपने ये समझे हुए होंगे प्रॉपरली इस लेवल पे। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद है इससे रिलेटेड एक्टिविटी जो हम करने लगे हैं। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्यू सिमिलीज, आपने पेज नंबर जो है 55 पे देखा है। आप बुक अगर आपने अपने सामने खोली हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं खोली हुई तो अपनी बुक टेक्स्ट बुक जो है वो पेज नंबर 55 पे खोलें। आपके हाथ में जो भी पेन या पेंसिल है उस पे आप पहले पेज नंबर 54 पे, जहां हमने फिगर्स ऑफ स्पीच कंप्लीट किया है, वहां पे एक्टिविटी है एक बी और सी की। ठीक है, तो अगर आप इन एक्टिविटीज़ को करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टेंजा 1 और 2 में आपने सिमिलीज ढूंढनी है, और पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल अगर कोई पोएम में दी गई है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है तो उसको आपने सर्कल या अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये आपकी दो एक्टिविटीज़ हैं, ये पेपर में नहीं आती, आप इनको क्रॉस भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको क्रिएटिविटी के लिए या प्रैक्टिस के लिए करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। पेज नंबर 55 पे आपकी डी यहाँ पे एक्टिविटी है सिमिलीज वाली जो कि हम करने लगे हैं अभी। ये आपने जो जगह खाली है वहाँ पर आपने इसको देखते जाना है साथ साथ। टाइम इज़ मनी, ठीक है, आपसे पूछा गया है अगर सिमिली है तो एस लिखें, मेटाफर है तो एम लिखें, परसोनिफिकेशन है तो पी लिखते जाएं। ठीक है, टाइम इज़ मनी, ये है मेटाफर, एम लिखें यहाँ पे। द एप्पल ऑफ माय आई, ठीक है, ये भी मेटाफर है, इसमें एम लिखें। एस बिजी एज अ बी, ये हमारा जो है वह सिमिली एज का वर्ड आ गया, इस पर एस लिखें। ब्राउन ग्रास वॉज बैगिंग फॉर वाटर, ये जो है वो एज कनिंग एज अ फॉक्स, ये भी सिमिली है। द विंड विस्पर्ड द र्यूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, ये जो है वो हमारे पास पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरह से ब्राउन ग्रास वॉज बैगिंग फॉर वाटर, ये भी पर्सोनिफिकेशन है। एज जेंटल एज अ लैम्ब, सिमिली है। एज वॉइस एज एन आउल, ये भी सिमिली है। द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ कफ, ये पर्सोनिफिकेशन है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये भी मेटाफर है। द हार्ट ऑफ लाइन, मेटाफर है हमारे पास। एज ब्लैक एज अ क्रो, ये क्या है, सिमिली। ठीक हो गया। ठीक है, एज ये लाइक अ वर्ड जहाँ पे आता है आपको पता है वो होती है सिमिली, और जहाँ पे डायरेक्टली कुछ कह दिया जाए द हार्ट ऑफ लाइन, शेर का दिल जैसे, तो ये क्या हो जाता है, मेटाफर। ठीक है, और जहाँ पे हम पर्सोनिफाई करते हैं किसी भी बेजान चीज़ को, जैसे द विंड विस्पर्ड, हवा सरगोशी करती है। अब हवा तो सरगोशी नहीं करती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात को खूबसूरत बनाने के लिए कहा गया है। द र्यूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की जो अफवाहें हैं उनकी सरगोशियाँ करती है, ये जो है वो फिर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन की टेक्निक हो जाएगी। अच्छा जी, ये थी रिलेटेड टू फिगर्स ऑफ स्पीच एक्टिविटी जो हमने की है। इसके साथ साथ जो है वो हम जो है वो इसी पेज पे देख रहे हैं एक एक्टिविटी है हमारे पास वोकेबलरी की। इसके नीचे आप एक्टिविटी देखें, अंडरलाइन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट डिपिक्ट क्लियर इमेजरी इन द पोएम, इसको क्रॉस कर दें। विच इमेजरी द पोएट रेफर्स इन द पोएम, इसको भी क्रॉस कर दें। वोकेबलरी की एक्टिविटी है हमारे पास जो भी हम करने जा रहे हैं इमेज की फॉर्म में, आपको जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ।
यूज़ अ थिसारिस टू फाइंड थ्री मोर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अच्छा, ये जो हमने फिगर्स ऑफ स्पीच किए हैं, आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि आपके पेपर में ये किस तरह से आते हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह आती है या किस तरह से, तो ये बाद में आपको क्लियर कर दूँ कि ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, लेकिन ये ज़रूर आ जाता है इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यू, इसलिए आपने इनको करना है, ज़रूर इम्पॉर्टेंट हैं। डेफिनेशन वगैरह इसकी नहीं आती, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है एक्टिविटी, ये जो भी हम कर रहे हैं, थ्री मोर सिनोनिम्स, तीन आपको दिए हैं, वह इन्हीं से रिलेटेड मज़ीद सिनोनिम्स जो हैं वो हमने बताने हैं। वर्ड है हमारे पास सा ग्लैंस और गेज, ये तीनों का मतलब ही देखने की सेंस में आता है हमारे पास। इसके मज़ीद जो वर्ड्स हम जो है वो बनाएंगे वो है ऑब्जर्व, आप लिख लें खाली जगह जहाँ पे है वहाँ पे, लुक और स्टेयर। फिर है शाइन, ट्विंकल एंड स्पार्कल, ये तीनों वर्ड्स ही जो है वो चमकने की सेंस में आते हैं, तो इससे रिलेटेड जो मज़ीद सिनोनिम है वो हम लिखेंगे ग्लिटर, फ्लैश और ग्लीम, ये तीनों वर्ड्स भी जो है वो चमकने की सेंस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक हो गया, ये आपने जो है वो इसको प्रॉपरली जो है वो कर लेना है, क्योंकि सिनोनिम्स आपको पता है आपके एनुअल पेपर के जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आ जाया करता है ये एक क्वेश्चन। ये हमने यूनिट नंबर 5 के जो वर्क पेजेस हैं उनमें से हमने पेज नंबर जो है वो 54 और 55 को डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो आपके बेटा वर्क पेजेस हैं वो भी सारे समझने वाले हैं, इसलिए उनको हम जो है वो कल डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसी तरह से जैसे कि हमने आज वाले ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को किया है। ठीक है, तो आपने ये जो मैंने आपके साथ अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं इनको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपने मुझसे पूछ लेनी है। लिखने वाला काम आपका नोटबुक के ऊपर इसमें से कोई नहीं है, जो हमने किया है वो बुक के ऊपर किया है, इसी की आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है, इसी को आपने अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है वो हम ग्रामर एंड कंपोजिशन से कम्प्रीहेंशन पैसेजेस कर रहे हैं। अनसॉल्व्ड कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 11 आज हमने करना है। 11 कम्प्रीहेंशन पैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ये बात बता दूं कि पेपर में ये अक्सर आ जाया करता है। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो अपनी नीड नोटबुक में आपने लिखने हैं। पढ़ लें इसको हम पैराग्राफ को पहले। देयर वॉज वंस अ मैन हुज डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन विच वॉज क्वाइट ब्लैक। His servant who was illiterate made mistake and poured out a dose of ink in place of the drug. एक मरतबा एक शख्स था जिसके डॉक्टर ने उसे एक दवाई दी जो कि बिल्कुल ही काली थी, यानी सयाह थी। His servant who was illiterate, उसका नौकर जो कि बिल्कुल अनपढ़ था, made mistake, उसने गलती की and poured out a dose of ink, और उसने दवाई दे दी, दवाई की जो खुराक है उसकी जगह पर इंक, आपको पता है जो स्याही होती है, ठीक है, रोशनाई होती है ब्लैक कलर की, उसकी खुराक उसे दे दी। ही गेव इट टू हिज मास्टर हु ड्रिंक इट, उसने गलती से जो अपने मास्टर को यानी मालक को ये दी वो इसे पी गया। आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द डोज ऑफ इंक द सर्वेंट सम हाउ रियलाइज हिज मिस्टेक, अपने जो है वो मरीज को ये दे देने के बाद नौकर को किसी तरह से ये बात का एहसास हुआ कि उसने गलती की है। He ran back to his master and said, वो अपने मालिक के पास वापस भागा और कहा, सर आई हैव गिवन योर डोज ऑफ इंक इंस्टेड ऑफ द मेडिसिन एज बोथ वर इक्वली ब्लैक, जनाब मैंने आपको स्याही की जो है वो एक खुराक दे दी है दवाई की जगह पर जो कि बिल्कुल एक जैसी काली हैं, वट शुड बी डन नाउ, अब क्या किया जाए। द मास्टर रिप्लाइड सॉफ्टली, मालिक ने जो है वो नरमी से जवाब दिया, नाउ गिव मी अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो, अब मुझे निगलने के लिए एक ब्लॉटिंग पेपर का टुकड़ा दे दो। ब्लॉटिंग पेपर होता है जो कि स्याही चूस होता है, जैसे इंक रिमूवर आपने देखे हैं ना, इंक रिमूवर के सामने एक जो है वो निब होती है जो कि आप इंक के ऊपर रखते हैं तो वो उसको जो है वो सक कर लेती है, तो इस तरह से ब्लॉटिंग पेपर होता है जो कि इंक को ख़त्म करने के लिए होता है। तो उसने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब यही हो सकता है कि तुम मुझे एक ब्लॉटिंग पेपर का पीस दे दो निगलने के लिए। क्वेश्चन आंसर देखें इसके, व्हाट वाज द कलर ऑफ़ द मेडिसिन, मेडिसिन का रंग क्या था। द कलर ऑफ़ द मेडिसिन वाज क्वाइट ब्लैक, उसका रंग जो है वो स्याह था।
What did the servant give to his master? उसने अपने मालक को नौकर ने क्या दिया? The servant gave a dose of ink to his master. उसने अपने मालक को स्याही की खुराक दे दी. When did the servant come to know of his mistake? क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस तरह से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. The servant realized his mistake after he had taken the dose of ink. जब उसने स्याही की खुराक जो है वो दे दी तो उसके बाद उसे जो है वो अपनी गलती का एहसास हुआ. What did the servant do? नौकर ने क्या किया फिर? The servant told his master, उसने अपने मालक को बताया that he had given him a dose of ink instead of the medicine, कि उसने दवाई की जगह पर स्याही की एक खुराक दे दी है. क्वेश्चन नंबर 5 देखें. What did the master say to his servant? उसने अपने नौकर को क्या कहा फिर मालक ने? द मास्टर सेड टू हिज सर्वेंट टू गिव हिम अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर टू स्वेलो. उसने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे जो है वो स्याही चूस जो है वो उसका एक पीस दे दो निगलने के लिए. तंजन उसने जो है वो ये बात कही थी अपने इलिटरेट सर्वेंट को. ठीक है, ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज था 11 जो कि हम अभी हमने किया है. इसको आपने जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेना है. इसके आंसर्स को आपने अपनी नोटबुक पे लिख लेना है. डायरी बेटा आपकी जो आज है प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस वर्क पेजेस ऑफ यूनिट नंबर 5, जो दो वर्क पेजेस अब आज हमने डिस्कस किए हैं उनके आपने अच्छी तरह से उनको तैयार करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है. कुछ भी उसमें से लिखने वाला आपकी नोटबुक पे नहीं है. लिखना आपने क्या है, कम्प्रिहेंशन नंबर 11 जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स को आपने लिखना है अच्छी तरह से याद करके. और डायरी अपनी जो है वो डायरी में ज़रूर नोट डाउन किया करें या अपने रजिस्टर की बैक साइड पे, ताकि आपको याद रहे कि आप जो है वो कितना सिलेबस कर चुके हैं. और टेस्ट के सिलेबस के लिए भी आपको आसानी होती है. लेसन में कोई बात जो समझ में नहीं आई तो वो आपने बेटा मुझसे पूछ लेनी है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स. अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे.